महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति गृह शिक्षा योजना पर काम कर रही है। इसमें महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। आज इंदौर के खजराना क्षेत्र में रोशन नगर आंगनवाड़ी केंद्र पर संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति के माध्यम से महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट, आयुर्वेद, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर के लिए तैयार करने का काम कर रही हैं। इसी के चलते आज कोरोना काल में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए संस्था आंगनवाड़ी व संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति उन्हें आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, रब थेरेपी के बारे में जानकारी दे रही है, ताकि महिलाओं का जिस्मानी व मानसिक तनाव दूर हो। संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति की संचालिका शालिनी रहमानी ने बताया कि माँ घर की पहली गुरु मानी जाती है। इसी वजह से आंगनवाड़ी से जुड़ी माओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शिक्षित होने के पश्चात महिला आत्मनिर्भर होकर सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग समूह का कार्य कर सके, जिससे उन्हें रोजगार मिले एवं खुशहाल जिंदगी हो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी इंसान के निजी जीवन से ताल्लुक रखती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव किया जा सकता है। रोशन नगर आंगनवाड़ी संचालिका रुबीना खान ने बताया कि हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम आंगनवाड़ी से जोड़कर उन्हें रोजगार के साथ साथ एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बताएं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकें सर, आज हमारे यहाँ पर हमने बीज आरोपण किया और बीज जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड रहता है, क्योंकि आयुर्वेद यानी हमारा शरीर आयु जो रहता है और वेद यानी ज्ञान। तो हम आयुर्वेद एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट दिया, जिससे क्या हुआ कि जैसे हम दवा और दबा, तो एक्यूप्रेशर क्या रहता है कि हमारी जो बंद नसें, जो बंद पॉइंट्स होते हैं, उनको खोलने का कार्य करता है। तो अभी अधिकांश COVID-19 के टाइम पे ऐसे हुआ कि लोग बाग बहुत डर सिखाई है, ताकि ये अपने बच्चों को भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा सकें और नेचुरल ऑक्सीजन को, ये दैनिक जीवन के लिए तो बहुत सारे कार्य करते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से अगर हम हमारे शरीर के लिए कार्य करें तो हम सर, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति जो है वो गृह शिक्षा योजना पे कार्य कर रही है, जिसमें हम उनको ऐसी चीज़ सिखाते हैं जिससे उनके बच्चों को भी वो ट्रेन कर सकें, उनको एजुकेशन दे सकें। तो हम महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम हैंडीक्राफ्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपी के माध्यम